31 जुलाई 2024 के बाद केदारनाथ धाम यात्रा पैदल मार्ग में बादल फटने की घटना के मद्देनजर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। वहीं पुलिस ने यह भी अपील की है कि भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग डॉक्टर विशाखा अशोक बदाड़े ने बताया कि कुछ जगहों पर ऐसी भी सूचनाएं चल रही हैं कि काफी लोग मिसिंग हैं। जितने भी लोगों की सूचना हमारे पास है, लगभग सभी अपने घरों को पहुंच गए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन रुद्रप्रयाग में आपके सहयोग के लिए है। परिवारजनों से संपर्क न हो पाने का कारण ये है कि मौसम खराब होने और नेटवर्क की समस्या के चलते ये समस्या बनी हुई है। किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना से बचे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। याद है कि 31 जुलाई को केदारनाथ एरिया में जो है भारी बारिश की वजह से काफ़ी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से रोड भी क्षतिग्रस्त हुई है। लगातार जो है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। काफ़ी लोगों का जो है क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होने की वजह से और बारिश की वजह से अपने परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, परंतु जब उनका रेस्क्यू किया गया तो काफ़ी लोगों ने अपने परिवारजनों से संपर्क भी किया हुआ है और काफ़ी लोग अपने घरों पर जो है सकुशल पहुँच भी गए हैं। कुछ जगह पे ऐसी सूचनाएं चल रही है कि काफ़ी लोग मिसिंग हैं, तो जितने भी लोगों की हमारे पास सूचना आई है वो सभी लोग अपने घरों पे जो है वो पहुँच गए हैं। तो किसी भी तरह की ऐसे अगर कोई भ्रामक सूचनाएं फैलाता है तो उसमें विश्वास ना करें। अगर आपका परिवारजनों से संपर्क नहीं हो रहा है तो पुलिस से जरूर संपर्क करें। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है प्रयास में आपके सहयोग के लिए है। आप जो आपके परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उसका कारण ये हो सकता है कि मौसम खराब होने की वजह से, कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाएं नहीं है। याद है कि 31 जुलाई